जो टेक्निकल चीज है वो यही है कि ये कानून में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब कि बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिससे ये बच रहे हैं। इनका है कि सिर्फ जो है लिख के सरकार दे दी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, बाद में एक सरकार ने लिख के दिया, दूसरी सरकार जो है उस कैबिनेट के डिसीजन को लड़ देती है। ये जो आंदोलन किसानों का आंदोलन है, किसान इसको चला रहे हैं, और वरना इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में, कितनी भी आप लगा लीजिए कि उनको दूध मिल रहा है और उनको ये मिल रहा है, वो मिल रहा खाने को, आप बैठ जाइए ना जाके, आपको दूध क्या, आपको तो आइसक्रीम और रसमलाई सब देंगे, बैठोगे आप खुले में वहाँ पे रात में? तो वही मैं कह रहा हूँ, उतनी कानून में डाल दो जो कह रहे हो, जो मौखिक आप आश्वासन दे रहे हो उसको पार्लियामेंट से पास करा दो, बस इतनी सी बात है। आप भी नहीं समझ पा रहे हो, पुराने पत्रकार हो। देखिए, कांग्रेस की रणनीति यही कि हमारा उस आंदोलन के साथ पूरी सहानुभूति है, हम उस आंदोलन का समर्थन और किसानों की मांग जायज है, बराबर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि किसानों की जायज मांगों को स्वीकार करें, और सिर्फ जो है मौखिक आश्वासन से, सिर्फ जो है भाषणों में आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इसको कानूनी जामा पहना है, यही कांग्रेस की मांग है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि कल सरकार की वार्ता किसानों से होने जा रही है, ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन आज सुबह मैं केंद्रीय कृषि मंत्री का इंटरव्यू देख रहा था, और केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक भी जगह ये कमिटमेंट नहीं दिया है कि वो कानून में कोई संशोधन करेंगे या कानून वापस लेंगे या जो किसानों की मांग है उसको उसमें कानून में शामिल करेंगे। इनकी यही एक ट्रिक है सरकार की कि ये आश्वासन देते हैं, बोलते हैं, वर्बली सब कहते हैं, और सरकार के स्तर पर लिख के देने को तैयार है, लेकिन सरकार के लिख के देने को कानून का दर्जा हासिल नहीं होता है। इसमें जो टेक्निकल चीज है वो यही है कि ये कानून में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब कि बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिससे ये बच रहे हैं। इनका है कि सिर्फ जो है लिख के सरकार दे दी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, बाद में एक सरकार ने लिख के दिया, दूसरी सरकार जो है उस कैबिनेट के डिसीजन को लड़ देती है, या तीसरी सरकार उसको नहीं मानेगी, और आगे कोई अफसर क्यों मानेगा। तो इसलिए इनकी टेक्निकल चीज, ये चीज जो अवॉइड कर रहे हैं, बार बार कहते हैं MSP कहीं नहीं जाएगी, मंडियां कहीं नहीं जाएंगी, हमारा वचन है, हमारा वादा है, हमारा घोषणा, लेकिन उस वादे घोषणा वचन का कोई अर्थ नहीं जब तक वो कानून का हिस्सा नहीं बनता, और ये कानून नहीं बनाना चाहते। इसमें सिर्फ तकनीकी दृष्टि ये बात है, तो कल की जो वार्ता में भी अगर इन्होंने वो बात इसको कानून में शामिल करने की बात नहीं की, बड़ी सिंपल सी बात है कि MSP कंटिन्यू करेगी, मंडियां उसी तरह यथावत चलती रहेंगी, और कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स, अगर आप इसका रिफॉर्म करते हैं तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो भी है, कॉरपोरेट जो है, वो MSP से नीचे नहीं खरीद सकता, इतनी बात तो गारंटी देनी है आपको। वो कानून का हिस्सा ही बनाने को तैयार नहीं है, और उसको घुमा घुमा के जो है वार्ता को बढ़ाते जा रहे हैं, और ये बात करने को तैयार नहीं। तो हमारी मांग है कि जो भी आप करें, जो भी उनके साथ समझौता हो, अगर किसान तैयार हैं, अपनी उनकी शर्तें आप मानते हो, तो कानून का हिस्सा होना चाहिए, यही किसान मांग कर रहे हैं, यही हम सब की भी मांग है। और दूसरी बात ये कि एक जो बार बार बात कही जाती है कि अरे ये तो डेढ़ प्रदेश का आंदोलन है, पंजाब आधा, हरियाणा पंजाब, ये उनकी गलत फहमी है। वहाँ यदि आप जाएँ, यूपी बॉर्डर पर जो बैठे हैं, पंजाब हरियाणा के क्या, वहाँ पे जाइए, आपको मध्य प्रदेश का किसान मिलेगा, वहाँ राजस्थान का किसान मिलेगा, वहाँ महाराष्ट्र का किसान मिलेगा, और आज तो हमारे जो सहयोगी दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कि वो उसको किसान आंदोलन को, महाराष्ट्र तो जाने ही जाता है किसानों के लिए, वहाँ पे उनके वहाँ के बड़े प्रगतिशील किसान हैं, कोऑपरेटिव, अगर कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा सहकारिता का कोई प्रयोग है तो महाराष्ट्र में हुआ है, जहाँ पे वो कर रहे हैं, उनके लोग भी दक्षिण भारत के लोग बराबर आ रहे हैं। और मैंने जो सुना है कि जो किसान धरने पर बैठते हैं फिर जाते हैं, उसी गांव से दूसरे किसान भी आ जाते हैं, तो इस तरह से पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अब आप दक्षिण वगैरह के लोग कम होंगे, क्योंकि उतनी दूर से आना जाना उनकी बात यहाँ के लोग बुलंद कर रहे हैं, और इसमें कोई इसको जो ट्विस्ट देते हैं बार बार कि ये राजनीतिक दलों का आंदोलन है, झोला छाप लोगों का आंदोलन, ये सब ये लोग जो है जानबूझ के आंदोलन को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं।
ये जो आंदोलन किसानों का आंदोलन है, किसान इसको चला रहे हैं, और वरना इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में, कितनी भी आप लगा लीजिए कि उनको दूध मिल रहा है और उनको ये मिल रहा है, वो मिल रहा खाने को, आप बैठ जाइए ना जाके, आपको दूध के, आपको तो आइसक्रीम और रसमलाई सब देंगे, बैठोगे आप खुले में वहाँ पे रात में। तो ये जो है इनका जो कहने का है, ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने की चेष्टा है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ही मांग करते हैं कि किसानों से वार्ता करें, उनके प्रति सहानुभूत रवैया रखें, और वार्ता में जो उनकी मांग है वो पार्लियामेंट से पारित कानून का हिस्सा होने चाहिए। इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड, इंसर्टेड इनटू द लॉ, इनटू द बिल विच पार्लियामेंट शुड, यू नो, पार्लियामेंट शुड पास, दैट मच गवर्नमेंट शुड डू, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। जब तक वो कानून आप वापस, जब तक वो कानून आप पार्लियामेंट में जब नया बिल लाएंगे तो अपने आप पुराना वाला बिल जो एनल्ड हो जाता है, मतलब पार्लियामेंट, हाँ नहीं, संशोधन में भी उसका प्रारूप बिल को दोबारा पास कराना पड़ता, तो वो कानून तो विड्रे हो गया ना, उसके प्रोविजन भले आप उसमें ले लीजिए, लेकिन आपको वो कानून को वापस लेके, पहले आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री जो प्रैक्टिस होती है कि उसको उन्होंने रिपील किया और इसके बाद वो नया बिल ही हम पेश कर रहे हैं संशोधन के साथ, ये कहा जाता। तो वही ये पार्लियामेंट में बिल को पास कराने में जो है आनाकानी कर रहे हैं। इनका ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से लिख के बोल के कैबिनेट से करके दे दें, उसके बाद में कोई, जब तक उस पर कानूनी अमली जामा नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक अफसर उसको सुनेगा। रो कोई भी कानून 100 साल के लिए बनता है, कोई कानून जो है ऐसा थोड़ा कि 1 साल 2 साल के लिए बना, एक बार कानून जो बन गया वो चलता है, इसलिए इसको कानूनी जामा जब तक नहीं पहनाया जाएगा तब तक वो बात नीचे लागू नहीं होगी। ये बात किसान और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, इसलिए उस जो भी बिल है उनको रिपील करके उनकी जगह संशोधित बिल जिसमें किसानों की मांगे शामिल हो वो लाने चाहिए। ये टेक्निकल बात मैं कह रहा हूँ, नहीं हम किसानों के साथ, लेकिन पहली बार MSP को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। हम लोगों ने कभी साजिश नहीं की, हमने MSP बढ़ाई, हमने किसानों की मदद की, हमने उनके कर्ज माफ़ किए। वो जो पार्टी अध्यक्ष उनके कहते हैं कि राहुल गांधी ने किसानों के लिए क्या किया, अरे हमने तो सबसे पहले शुरुआत की, हमने तो उनके जो है करीबन 80,000 करोड़ के किसानों के कर्ज माफ़ किए। किसानों के लिए नहीं किया तो किसने किया, मनरेगा कौन लाया, उसका भी फायदा गाँव के किसानों मजदूरों को मिलता है, ये सारे काम तो कांग्रेस ने किए हैं। और आप कह रहे किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ किया ही नहीं जब उनकी सरकार थी, तो आप भूल गए अपने तो नेहरू जी और सरदार पटेल के काम तो अपने बता रहे हो जब थे ही नहीं आप, और जो सामने अभी काम हुए पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह सरकार ने उन कामों को भूल गया। तो ये सारे किसानों के लिए तो काम किए, यहाँ पर तो MSP खत्म करने की जो साजिश है वो किसान के मन में आ गई कि यहाँ तो ये शंका हो रही है उन कानूनों में जो, तो वही मैं कह रहा हूँ उतनी कानून में डाल दो जो कह रहे हो, जो मौखिक आप आश्वासन दे रहे हो उसको पार्लियामेंट से पास करा दो, बस इतनी सी बात है। आप भी नहीं समझ पा रहे तो पुराने पत्रकार हो। नहीं, कांग्रेस की रणनीति यही कि हमारा उस आंदोलन के साथ पूरी सहानुभूति है, हम उस आंदोलन का समर्थन और किसानों की मांग जायज है, बराबर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि किसानों की जायज मांगों को स्वीकार करें, और सिर्फ जो है मौखिक आश्वासन से, सिर्फ जो है भाषणों में आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इसको कानूनी जामा पहना है, यही कांग्रेस की मांग है। हम लोगों के हिसाब से जो पिछली बार हमने आंकड़ा दिया था चुनाव में, 4.5 करोड़ लोग जो है उनके कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में है उनकी नौकरियां गई हैं, और अब ये आंकड़ा 4.85 करोड़ हो गया। लगातार जो है तमाम जो है उद्योग धंधे व्यापार है ये सब जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से नोटबंदी लागू की, GST लागू की, और उसके बाद से लगातार लॉकडाउन को जिस ढंग से सरकार ने हैंडल किया उससे तमाम नौकरियां लोगों की जा रही है। यूथ परेशान है, मत कौन खुश है अच्छे दिन, किस चीज़ के अच्छे दिन, यूथ अलग परेशान है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, किसान परेशान है सड़कों पर पड़ा, आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएँ परेशान है, कौन खुश है, कौन सा वर्ग खुश है बताओ ना, छोटे छोटे दुकानदार परेशान हैं, जिसको देखो वही कहते यार बड़ा गड़बड़ चल रहा है, आप जाके बैठ के खुद बात कर लो, चाहे पान वाला हो, चाहे मूंगफली का ठेला लगाने वाला हो, सब दुखी, चाहे सब्जी वाला हो, तो सब जब परेशान हैं तो फिर जो है ये नौकरियां धड़ाधड़ लोगों की जा रही हैं, तो ये तो सोचना पड़ेगा ना सरकार को। आप अगर डिनाइल मोड में बैठे रहोगे, आप
मानोगे नहीं कि नहीं, सब कुछ आप गलत कहते हैं, जो ये बोल रहा है सब विपक्षी दलों की साजिश है, सब ये पाकिस्तानी के कहने पर हो रहा, सब ये चीन के कहने पर हो रहा, सब ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हमारे खिलाफ बोल रही हैं, अगर यही सोच के बैठे रहोगे तो आप कुछ सुधार ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब अगर जो गलती मान के सुधारे वही सबसे अच्छा आदमी कहा जाता है, जब आप गलती मानने को तैयार नहीं, जब ये मानने को तैयार नहीं कि जो है कुछ गड़बड़ है, सब सही चल रहा, तो फिर कहाँ से सुधारोगे, ये समस्या है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।